ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अक्सर क्या होता है कि मुझे भ्रमण करना होता है, और मेरा भ्रमण भी छोटा मोटा नहीं होता, जैसे कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं ऐसे ही भ्रमण करता रहता हूँ। और लगभग मैंने पूरा भारतवर्ष जो है देख लिया है, और इस बीच में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ ऐसी शक्तियों से मेरा वास्ता हुआ जो कि अलौकिक थी। हर जगह की अपनी एक खुशबू होती है, जब भी आप उसकी सीमा से बाहर निकलते हैं तो वो खुशबू बदल जाती है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ वहाँ का जो है वातावरण मुझे अलग लगा है, और जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ पर कुछ ऐसे साधु संतों से मेरी भेंट हुई जो कि मुझे लगा इस धरा की नहीं है, क्योंकि ऐसे परमात्मा ऐसे ज्ञानी जन कम ही होते हैं। इनके पास इतना ज्ञान, इतना मंत्रों का संग्रह, भंडार भर रखा है इन्होंने, और ये जो मंत्र हैं ये सारे लग जाते हैं। बात है हिमाचल की। जब मैं 2 साल साधना में था तो हिमाचल में एक जगह है पौड़ी वाला, सिरमौर से थोड़ा सा पीछे को है, और कालेआम से थोड़ा सा, मतलब कालेआम से आपको 10 मिनट या 15 मिनट का रास्ता होगा। तो वहाँ पर मैंने 2 साल साधना की थी, और उस समय मुझे नहीं पता था कि रावण ने भी ना वहीं पर ही साधना की थी, और वहाँ पर एक वो साधना करके स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी बना रहे थे। तो देखिए संयोग कैसा रहा, इतनी दिव्य आत्मा जहाँ पर साधना करके गई, मैंने भी वहीं पर ही साधना की। तो एक बार की बात है कि ऐसे ही मैं वहाँ पर, बहुत घना वन है जो पौड़ी वाला है उससे, मतलब नीचे को जब आप उतरेंगे तो वहाँ पर घना जंगल है, तो वहाँ पर बहुत घना जंगल है और आम आदमी नीचे उतरने में डरेगा, इतना घना जंगल है। तो रात को बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, और उसके बाद जो शक्तियाँ वहाँ पर हैं उनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। एक बार वहाँ पर जाइए और जाकर आपको पता लगेगा। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही मैं भ्रमण कर रहा था, तो विश्रम करते करते मैं निकल गया देहरादून के जंगल में। मुझे नहीं पता था वहाँ पर शेर होते हैं। तो क्या हुआ कि मैं अपनी साधना में बैठा हुआ हूँ, और सामने से एक हिरन के पीछे एक शेर भागता हुआ गया। तो ये भगवत कृपा ही थी जिन्होंने मुझे बचा लिया, वरना उस दिन जो है प्रभु से मेरा मिलाप हो जाता। खैर, तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही भ्रमण करते करते एक बार मैं पहुँच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश से पहले आता है हर की पौड़ी। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे साधुगण आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि आते हैं जो कि देखने में लगते नहीं हैं कि इनके पास अथाह ज्ञान होगा और इतने सारे मंत्र होंगे। तो मेरा एक शौक है, जब भी मैं देखता हूँ कि कोई साधु बैठा है, कोई साधुगण है, कोई ज्ञानी है, तो मैं जाकर उनसे जितना हो सके ज्ञान समेटने की कोशिश करता हूँ, और जितना हो सके मंत्रों की जानकारी लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत छोटा सा तिनका सा है, और ये जो धरा है इस पर इतना अमूल्य ज्ञान है जो कि मैं अकेला समेट नहीं सकता। तो मैं जिसके पास मुझे जितना मिल जाए मैं वो समेटने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ, और जिससे जितना मिल पाए, जो जितना ज्ञान जितना जानता हूँ, तो मैं एक ही करके एक ही कतरा समेटता रहता हूँ। तो वहाँ पर एक तांत्रिक से मेरी भेंट हुई, और उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया। मंत्र इतना प्रभावी है कि एक ही बार करने से किसी पर लग जाता है। ये मोहिनी मंत्र है दुहाई मंत्र के साथ, और इसकी उन्होंने मनाही की थी कि किसी भी
अपात्र को ये मंत्र नहीं देना है। लेकिन जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे लिसनर हैं, जो भी मेरे श्रोता हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो है ये भीड़ से अलग है। जो आम जनता है उससे हमारे जो तबका है वो थोड़ा सा अलग है। हम जो हैं हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे मतलब उनके बिल्कुल समीप रहते हैं। तो प्रभु के दास आम आदमी नहीं होते, प्रभु जो है उनको विशेष बना देते हैं। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपके भीतर भी भगवत कृपा अवतरित होनी शुरू हो गई है, इसीलिए आप जो है सत्संग में बैठेंगे। जितने भी मेरे मंत्र हैं, जितने भी मेरे श्रोता उनको सुनते हैं, वो सत्संग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो है प्रभु का नाम ले रहे होते हैं। ये जो हमारा समय है 10 मिनट 5 मिनट, तो यहाँ पर हम प्रभु की बातें कर रहे होते हैं, और ऐसा करने से भगवत कृपा जो है वो अवतरित होती है। तो मैं अपने श्रोताओं को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये मंत्र देते हुए बहुत ही हर्षित होता हूँ कि जो मेरे श्रोता हैं, यदि वो किसी का टूटता हुआ घर बचा सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। ये जो मंत्र थे ये इसलिए बने थे कि हम जन कल्याण कर सकें, और हमारा जो तबका है वो इसीलिए बना है कि किसी का भला कर सके। किसी का टूटता हुआ घर अगर हम बचा सकें तो कैसी भी विद्या हो उसको लगा देना चाहिए। आँख मूंद कर किसी का भला कीजिए तो आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। तो आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा मोहिनी मंत्र जिससे कि आप अपना या किसी का भी टूटता हुआ घर बचा सकते हैं। तो मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, इसको सबसे पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद आपको सिर्फ एक बार कामया सिंदूर पर ये पढ़ देना है। पढ़ने के बाद एक चुटकी सिंदूर, जो भी आपका साध्य है, जिसको भी आप चाहते हैं कि वो आपसे आकर्षित हो जाए, या सिर्फ आप ही की माला जपे, तो इस सिंदूर को उनके सिर पर डाल दीजिएगा। इससे होगा ये कि ये जो प्रकृति है ये कुछ ऐसे बदलाव लाएगी अपने भीतर जो कि आप सोच भी नहीं सकते। देखते ही देखते काम करने वाला ये महामंत्र है। ये शाबर मंत्र है, ना इसमें समय देखना है, ना इसमें आपको वार देखना है, तिथि देखनी है, नक्षत्र देखना है, बस एक बार ये कर देना है। स्वयं सिद्ध मंत्र है और एक ही बार में काम कर जाएगा। आप इसे करके देखिए और मुझे बताइए कितनी शीघ्र अतिशीघ्र आपके काम बने हैं। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपना या फिर किसी दूसरे का जो है प्यार बचा सकें, किसी को एक सांत्वना दे सकें, किसी को सहारा, किसी का सहारा बन पाए, कि किसी का घर बचा पाए, कोई रोता हुआ हो उसको हंसा सके। तो जब भी कभी ऐसा कोई अवसर आए तो इस मंत्र को अवश्य प्रयोग में लाइएगा। ये सटीक काम करेगा, एक बार में ही काम बना देगा। यदि किसी का टूटता हुआ घर आप बजा पाएं तो इससे बेहतर काम और कोई हो नहीं सकता। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, इसको रट लीजिएगा। रटने के बाद आपको जो है इसका गुंफन शुरू करना है। बिना रटे, बिना इसको याद किए इसका गुंफन शुरू मत करना। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है, ऐसा सेंदूर बीज बिसौंध, सेंदूर की आवे वास, चले हमारे पास, घर छोड़े बखरी छोड़े, पिया पड़े का पलंगा छोड़े, आन का देखी जर मरे, मोरे अंग कईत चित गए, मोही लावे नारसिंह, दोहाई नारसिंह के। तो इस मंत्र को जो है एक बार आपको
उस पर लगा देना है और इस मंत्र को अभिमंत्रित करके आपको बस उनके सिर के ऊपर डाल देना है और इसके बाद मोहिनी मंत्र अपना काम करना शुरू कर देगा। यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।